It's hard to breathe, but that's alright. Hush. सो है गाइस बैक विद अ न्यू वीडियो। तो आज आप इस वीडियो में देखेंगे कि आप कम पैसों में आपको जो आपके जो एक्वेरियम का जो पानी है उसे कैसे एकदम साफ और क्लीन रख सकते हैं, वो भी बहुत ही कम पैसों में। तो देख सकते हैं ये जो मैंने फ़िल्टर लिया है तकरीबन मुझे 100 रुपये का पड़ा, इसका नाम है स्पॉन्ज फिल्टर। और इसमें ये है जो एक, तो आपको इसमें सिर्फ ये जो फिल्टर है वो मिलेगी और एक एयर पाइप मिल जाएगी। तो अगर आप इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करते हो तो ये काफ़ी रफली लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही ठीक भी लग रहा है। आपको ये इतने बजट में तो हाई क्वालिटी तो नहीं मिल सकती, बट हमें इसके क्वालिटी के ऊपर नहीं जाना है, हमें ये देखना है कि किस टाइप से अपना काम करता है। और जो स्पंज की क्वालिटी भी है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो चलिए इसे हम अपने एक्वेरियम में लगा करके देखते हैं। तो ये जो एयर पाइप है कुछ आपको ये इस तरह से लगानी है और इसके बीच में एयर पाइप लगा देना है एयर पंप से जुड़ा हो। तो इसे लगाने का सही तरीका ये है और सही जगह ये है कि आप इसे बिल्कुल बीच में ही रखें। तो अगर आपको इसका बेस्ट रिजल्ट देखना है तो कम से कम दिन में 3 से 4 घंटे आप इसे चलाएं, इसे बेसे ना चलाएं। तो इसे लगाने का ये फ़ायदा होता है कि ये पानी को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता है और प्लांट भी अच्छे से ग्रो होते हैं, क्योंकि अगर डिस्टर्बेंस अगर होगा तो प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएंगे। और सबसे मेन कारण ये होगा कि आपको ये फ़िल्टर क्यों चाहिए और क्यों नहीं चाहिए, तो मैं इसे आपको बताऊंगा। ये कुछ इस तरह से काम करता है। तो अब बात आती है क्या आपको इस फिल्टर की अपने एक्वेरियम में ज़रूरत है, तो मैं बोलूँ हाँ आपको ये बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप छोटे फिश जैसे मौली गोपी रखते हो तो क्या होते हैं, अगर आप पावर हेड फिल्टर या बड़े बड़े फिल्टर आप यूज़ करते हो तो वो बहुत ही डर जाती है। तो ये बहुत ही साइलेंट और चीपेस्ट फिल्टर कह सकते हैं। तो आपको ये लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है अपने एक्वेरियम में। तो अगर आपको ये चाहिए तो मैं लिंक नीचे दे दूंगा, आप इसे जा कर के ख़रीद सकते हो या फिर ऑफलाइन भी आप किसी भी लोकल फिश स्टोर में ले सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो थैंक यू गाइस, बाय। We'll be right back.